काउंटिंग अभी हुई नहीं, लेकिन काउंटिंग से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं वो चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब काउंटिंग में ना जाएं। कलेक्टर साहब अगर काउंटिंग में गए तो गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा मानना है कांग्रेस के कद्दावर नेता का। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की, जो पहुंच गए कलेक्टर साहब की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र भी दिया है, ज्ञापन दिया है, और जो पत्र लिखा है उसमें ज्ञापन में उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि कलेक्टर जो है भिंड कलेक्टर, वो मतदान के दौरान पूरे समय उन जगह पर ज्यादा गए जहां पर कांग्रेस समर्थित मतदान केंद्र थे, ऐसा गोविंद सिंह का आरोप है। उनका ये भी कहना था कि और तो और कलेक्टर साहब ने कहीं और ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जो गोविंद सिंह लहार है उनके गांव में वो बने रहे, उनकी नज़र वहां पे थी, तो इसको गोविंद सिंह जो है वो देख रहे हैं इस तौर पर कि गड़बड़ी हुई है। उनका आरोप ये भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा भी गया और अंदर मतदान केंद्र के घुसने नहीं दिया। जरा सुनिए। लाहार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम किया है। कलेक्टर को पूरा जिला होता है, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम को मतदान समाप्त होने तक वो लगातार लाहार में रहे और मधुबनी मतदान केंद्र जहाँ जहाँ कांग्रेस के बाहर मतदान केंद्र वहाँ पर बैठ रहे हैं 2 घंटा एक कलेक्टर केवल बंदरी मतदान केंद्र बैठ रहा, 3 बार हमारे बेहतर मतदान केंद्र के चक्कर लगाए और भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान केंद्र उनके समर्थक थे वह खुलेआम कब्जा होती रही, लोगों को हमारे मतदान करता थे उनके पोलिंग के अंदर सुटाई के लिए मारा गया और शिकायत करने के बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार फलीय मतदान भारतीय जनता पार्टी से समर्थित मतदान केंद्रों को होते रहे। मतगणना के दिन अगर जय संजीव श्रीवास्तव रहते हैं तो निश्चित रूप से गड़बड़ी करेगा, निष्पक्ष मतगणना संभव नहीं है, इसलिए संजीव श्रीवास्तव को हटाया जाए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सीधा आरोप लगा रहे हैं, लहार से प्रत्याशी हैं आपको बता दूं गोविंद सिंह, और कई वर्षों से गोविंद सिंह जीतते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ 2023 में कि भिंड के लहार के अपनी सीट के अलावा वो पूरे भिंड जिले की 5 सीटों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर जो है उनके चलते मतदान प्रभावित हुआ है और कलेक्टर जो है उन्होंने पक्षपात किया है। दरअसल चुनाव से लगातार मैं आपको बता दूं वोटिंग के बाद कांग्रेस जो है वो हमलावर है प्रशासनिक अधिकारियों पर, उनका ये कहना है गड़बड़ी हुई है। यही वजह है कि काउंटिंग से पहले कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अपनी तैयारियां पूरी रखना चाहती है। गोविंद सिंह जो हैं उनको लगा कि कलेक्टर अगर रहेंगे तो कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो जाए, यही वजह है कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुँचे, बाकायदा ज्ञापन दिया जैसा मैंने सुनवाया, और वो कह रहे हैं कि कलेक्टर को अगर नहीं हटाया तो मतगणना प्रभावित हो सकती है। आप देखते रहें अभी तक।